नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 64वें नवमांश को लेकर के हमारी चर्चा है। इनके विभिन्न पहलुओं को हम समझ रहे हैं और प्रिडिक्शंस में ये कैसे काम करते हैं इसे भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो 64वां नवमांश है यह बहुत ही ज़्यादा, यानी 8 8 64, यानी कि 8 का गुणा 8 से होता है तो यह 64 नवमांश आता है। यानी कि ये जो डीप हाउस है, डीप का भी जो डीपेस्ट पॉइंट हो सकता है वह 64वां नवमांश है। यानी कि जिन चीज़ों को हम देख नहीं पाते हैं, जिनकी हमें भनक भी नहीं लगती है, जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता है, वह अचानक से चीज़ें सामने आती हैं। तो इस 64वें नवमांश में खास बात एक और भी है, यह केवल घातक ही नहीं है, यह शुभ फलदायी भी है। तो किन्हीं वजहों से या किन्हीं कारणों से यह अपने फल को बिल्कुल डीप गहराई में रखता है और कभी अचानक से आकर के इन फलों को प्रकाशित कर देता है, यानी कि सबके सामने ला देता है। तो ये जो 64वां नवमांश है इसमें मृत्यु के साथ साथ और भी शुभता की चीज़ें कही जा सकती हैं। यह प्रिडिक्शंस का एक बहुत ही अच्छा टूल है कि जिसे 64वें नवमांश को समझ में आ गया वह बिल्कुल विद इन सेकेंड इस चीज़ के बारे में बता सकता है कि आपको शुभ फल कब मिलने वाला है या अचानक से कोई बैड इवेंट आपकी कैसे होने वाली है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसे अपनी लग्न से भी देखा जाता है और आपके चंद्र राशि से भी देखते हैं और कहीं कहीं पर यह सूर्य राशि से भी देखा जाता है। तो मुख्यतः क्या है, अगर लगन यानी कि आपके बॉडी का आपके ऊपर के प्रभावों को देखना है तो यहाँ पर आपका मायने रखेगा लगन चार्ट, यानी कि D1 चार्ट का कनेक्शन D9 के साथ, यानी कि भाग्य का। D9 जो चार्ट है वह भाग्य का चार्ट कहलाता है। तो आपके भाग्य में वो ऐसी क्या चीज़ है जो इतनी ज़्यादा, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, वह अचानक से होने वाली है या अचानक से एक दिन आकर के सामने खड़ी हो जाती है। यह कोई समस्या भी हो सकती है या कोई बहुत लॉटरी जैसी इवेंट भी हो सकती है या कोई बहुत ही अच्छी इवेंट भी हो सकती है। तो ये जो 64वां नवमांश है इसमें से जैसे जब कभी शनि गोचर करे, यानी कि पीड़ा देने वाला ग्रह जब उस 64वें नवमांश से गोचर करता है तो जो उसका रिजल्ट है, जो उसका फल है, वह भी बहुत ही पीड़ादायक होता है, यानी कि महान कष्ट को देने वाला होता है। जितना स्लो चलेगा उतना ही ज़्यादा उस कष्ट को वह लंबा करेगा। और अगर बेनिफिक है, बेनिफिक प्लेनेट है और वहाँ से आपका कोई उसके ऊपर से राहु का प्रभाव हो जा रहा है, केतु का प्रभाव हो जा रहा है, तो बेनिफिक थोड़ा सा परेशान होगा लेकिन फिर वह छठ से आगे निकल जाएगा। और इन ऑल अगर बेनिफिक प्लैनेट बेनिफिक है और बेनिफिक का उस भाव से गोचर हो रहा है, उस राशि से गोचर हो रहा है, तो वहाँ पर जो फल हैं वह अच्छे आएंगे, वहाँ पे बुरे फल नहीं आएंगे, अकस्मात अच्छी चीज़ें होने वाली हो जाएंगी। तो यही प्रभाव है 64वें नवमांश का, यानी कि 8 × 8 = 64 या 64। तो इस प्रकार से यानी कि 8वें का भी 8वां यहाँ पर है। और सरलता से जानना है कि मेरा 64वां नवमांश क्या है तो D9 चार्ट का 4था भाव देखिए, आपको उसमें उस राशि का जो स्वामी है वह आपका 64वां नवमांश होगा। मान लीजिए कि ये एक D9 चार्ट है जिसमें 4थे भाव में गुरु की राशि धनु हो, तो यहाँ पर लगन से जो निकलेगा 64वां नवमांश वह गुरु कहलाएगा। अब चंद्र से ही देखें, मान लो चंद्र से देखा जाता है तो जो चंद्रमा से स्थिति देखते हैं तो चंद्रमा यानी कि 8वें भाव की स्थिति को यहाँ पर देखा जाएगा। तो 8वें भाव की जो स्थिति होगी उसमें से अगर कोई मैलिफिक माप से गोचर कर जाएगा तो वहाँ के जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल एक्सीडेंटल होंगे, बहुत ही ज़्यादा दुखदायी भी हो सकते हैं और वही जैसे मैंने कहा शुभ फल है तो सुखदायी भी होंगे। और राहु केतु की अगर वहाँ पे माया चल जाए तो आप प्रिडिक्शन कर नहीं पाएंगे, आप उसको समझ नहीं पाएंगे।
तो फास्ट मूविंग जो प्लैनेट होते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, जैसे अगर कहा जाए बुध हो गया, शुक्र हो गया, तो ये झटपट आकर के रिजल्ट दे करके और अगले महीने आपकी स्टोरी चेंज हो करके आप फिर अपनी ज़िंदगी में बढ़ने लगते हैं। लेकिन शनि जैसे ग्रह जो एक राशि में रह करके 2.5 वर्ष का समय लेते हैं, वह आपको निरंतर आपके दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर बना देते हैं, इतनी कुंठा क्रिएट कर देते हैं, इतना आपके अंदर एक कहा जाए तो मन की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि आपको लगता है कि कब यह पीड़ा का अंत होगा, कब मुझे इससे मुक्ति होगी। तो यह सब तभी भोग मिलते हैं जब आपके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वह कुछ सही नहीं हुए होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस जन्म के साथ साथ आपको पिछले जन्म के भी फल मिलते हैं। लोग कहते हैं कि मैं तो इस जन्म में बहुत ही अच्छा काम करता हूँ, फिर भी मेरे को यह दुख प्राप्त है। तो ये जो दुख की प्राप्ति होती है, यह इस जन्म की भी हो सकती है, साथ में पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए हैं उसका भी यहाँ पर पनिशमेंट हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि D9 चार्ट इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भाग्य के साथ साथ कुछ ऐसे भी फलों को हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं जिसके बारे में नहीं पता होता है। तो भगवान से मनाइए हमेशा कि आपका जो 64वां नवमांश हो वह शुभ ग्रह हो। इस बात के लिए हमेशा ऐसे कर्म करें तो इस जन्म नहीं तो अगले जन्म सही में जो 64वां नवमांश है वह शुभ ग्रह हो, तो आपके जो कष्ट हैं वह थोड़े से यहाँ पर कम होंगे। तो यहाँ पर जैसे बताया कि जो पाप ग्रह होते हैं, जैसे शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है, अपने गुणों के अनुसार आपको कष्ट देंगे ही देंगे। जब भी D9 चार्ट से जब चौथे भाव से शनि का गोचर हो जाए, आपके D9 चार्ट के चौथे भाव से मंगल का गोचर हो जाए, आपके D9 चार्ट के चौथे भाव से अगर राहु अथवा केतु का गोचर हो जाए, तो आपके जो कष्ट हैं वह अपार हो जाएंगे। आपका जो मानसिक संतुलन है वह बिगड़ सकता है, आपका शारीरिक संतुलन बिगड़ सकता है, यहाँ तक कि डेथ लाइक कंडीशंस भी आ जाती हैं। तो जो शनि राहु केतु है ना, इनसे यानी कि शनि क्या है, आपका कर्म है, और आपने जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार ही तो आपको फल मिलेंगे। राहु किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अति होती है, केतु क्या होता है, जो चाहिए वह भी छोड़ देना, तो वह जो केतु होता है वह सहने वाली पीड़ा होती है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वह पीड़ा अंदर ही अंदर आपको घोटे रहती है और चलाए रहती है। तो इस प्रकार का भाव रहता है। एक उदाहरण समझते हैं कि हम इस पिक्चर में भी देखेंगे कि D9 चार्ट में यहाँ पर क्या हुआ और कैसे अचानक से शुभ फलों की वृद्धि हुई, तो इस बात को देखते हैं। तो देखिए D9 चार्ट को निकालते हैं। यह जो पिक्चर में आप देख रहे हैं यह D9 चार्ट है, और आप देखेंगे कि जो चौथा भाव है उसमें क्या राशि दिख रही है, उसमें गुरु की धनु राशि दिख रही है, और धनु राशि में का जो स्वामी है वह गुरु कहलाया, और गुरु बैठा कहाँ है, गुरु बैठा हुआ है आपके इस वाली कुंडली में, आप देख रहे हैं कि यह एकादश भाव में बैठा हुआ है और कर्क राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो कर्क राशि का जो स्वामी है वह चौथे भाव में बैठा हुआ है, यानी कि गुरु और चंद्र यानी कि दोनों ही बेनिफिक प्लैनेट हैं, और यह जो है अगर मून से हम देखते हैं तो मून से यानी कि चंद्र राशि से भी यानी कि मानसिक उससे भी यह जो 64वां नवमांश है वह गुरु बनता है, और लगन से भी यह जो 64वां नवमांश है वह गुरु बनता है। और गुरु बैठा कहाँ है, गुरु बैठा हुआ है उच्च का होकर के एकादश भाव में, लेकिन वक्री है। वक्री होने में क्या है कि यानी कि यहाँ पर भले ही आगे और पीछे होना पड़े पर फल यहाँ पर लाभ के निश्चित है, क्योंकि लाभ भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है, कनेक्शन किससे है, कनेक्शन आपके 8वें भाव से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, और आप अगर लगन देखेंगे तो लगन में अष्टम भाव में कर्क राशि है,
तो क्या होता है अष्टम भाव का, चूंकि हम अष्टमांश को पढ़ रहे हैं, अष्टम के अष्टम अंश को पढ़ रहे हैं, तो अठ अठ चौंसठ यानी कि चौंसठवें नवमांश को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो बेनिफिक है वह गुरु बन जाता है, यह परम आपका बेनिफिक होता है। और लग्न राशि का जो स्वामी है यानी कि डी वन चार्ट का जो स्वामी है वह भी गुरु है। तो एक मैडम है लैला बिली मैडम जी हैं, तो उनका यह प्रश्न था कि अगर लगन लॉर्ड आपका कोई बेनिफिक ग्रह हो तो क्या वह अच्छे या बुरे कैसे फल देगा। तो देखिए यहाँ पर इसका जवाब है, यह जो फल है यह अच्छे देगा गारंटीड के साथ में। अब इनकी जो इनको जो शुभता प्राप्त हुई थी वह क्या शुभता प्राप्त हुई थी, क्योंकि ये ही से माई नोन क्लाइंट, तो जब इनके चंद्रमा की दशा D1 के अनुसार जब चल रही थी और उस समय जब यह गुरु का गोचर आया तो इनके पास मकान अपना हो गया, यानी कि इनके रहने की जो जगह थी वह अचानक से आई। पूरा जीवन बीतने के समय तक इनके पास अपना घर नहीं था, और घर भी ऐसा हुआ जो तमाम सुख साधनों के साथ यहाँ पर था। तो यह खूबी है, ये जो 64वां नवमांश है यानी कि इन्होंने विचार किया और 2-3 महीने के अंदर में इनके पास अपना खुद का घर हुआ। तो यहाँ पर यही बात देखने की है कि जैसे सब लोग कहते हैं कि 64वां नवमांश है तो कितना डरावना है, कितना मृत्युतुल, हाँ मृत्युतुल देगा, लेकिन जब उसमें जो कष्ट है यानी कि कष्ट देने वाले जो ग्रह हैं, जब शनि राहु केतु ऐसे ग्रह या कभी कभी सूर्य यानी कि सरकार के दंड की जब व्यवस्था होती है तब वहाँ पर कष्ट वाले फल मिलते हैं यानी कि मैलिफिक रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, आपको यह बताता है कि 64वें नवमांश की जब दशा चलती है तो और वह जो ग्रह हो वह शुभ फलदायी हो तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस समय पर जिस समय यह दशा चल रही थी यानी कि चंद्रमा जब में जब गुरु का अंतर चल रहा था उस समय पर इनके पास अपना खुद का स्वयं का घर हुआ। तो यह इस बात की खूबी है। तो यही आपको पता, और यह अचानक से हुआ, इनकी कोई तैयारी नहीं थी, इनकी कोई विचार नहीं थी, उसने जैसा मुझे बताया कि हमें अचानक से यह थॉट हुआ विद इन 2-3 मंथ्स और यह काम हो गया। तो यह खूबी होती है 64वें नवमांश की जब दशा चलती है। इनकी जो दशा है वह December 17 से चली थी और अप्रैल मई के बीच में इनके पास अपना खुद का घर था। 15-20 दिन के अंदर इनका इनके जो भी कागजी कार्रवाई होती है वह सब पूर्ण हुई और होकर के इनके पास अपना खुद का घर हो गया। तो ये खूबसूरती है। सब लोग बहुत सारे मैलिफिक उदाहरण को देते हैं, तो मेरा ये जो पक्ष है कि बेनिफिक्स होंगे तो वहाँ पर लाभ की व्यवस्था निश्चित है, इस बात को समझने के लिए मैंने यह एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है। तो मित्रों आशा करती हूँ कि आपको 64वें नवमांश से इतना डर नहीं लगेगा। तो अगर बेनिफिक है तो आप निश्चिंत होकर रहिए, भगवान को याद कीजिए, लेकिन अगर आपके यहाँ पर जो ग्रह है वह मैलिफिक हो तो अपने कर्म पर ध्यान दीजिएगा। जो आपको कष्ट मिल रहे होंगे उनमें अवश्य ही वहाँ पर कुछ ना कुछ न्यूनता अवश्य आएगी, आपको सही दिशा मिलेगी और आप सही रास्ते पर निकल के उस 64वें नवमांश की दशा को आप क्रॉस कर जाएंगे। तो मित्रों आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर पसंद किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ स्टूडेंट्स का ज्योतिष के जो भी स्टूडेंट्स हैं कृपया आप उन्हें देखें और उसमें अपनी टिप्पणी भी अवश्य दें, यानी कि कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको इसमें क्या लग रहा है। तो मित्रों आज्ञा दीजिए, मिलते हैं शीघ्र ही, तब तक के लिए नमस्ते।